सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन।
कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्ते शंख चक्र गदा शारंगीत परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्ते गृहीतोग्रमः चक्रे दस्रो धृतवसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणे नमस्ते नृसिंहरूपेण अग्रेण हन्तं दत्तं कृतोद्धमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणे नमस्ते कैटने महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले भृत्रप्राणहरे चन्द्रे नारायणे नमस्ते शिवधूते सरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणे नमस्ते दशाकरालवदने शिरोमालाभिभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणे नमस्ते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि सुधे ध्रुवे महारात्रे महाविद्ये नारायणे नमस्ते मेदे सरस्वती भरे भूति भद्रभितामसि नियते त्वं प्रसीदेश नारायणे नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्ताहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते एतत्ते वरदं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातुनः सर्वभीतिभ्यः कात्यायने नमस्ते ज्वालाकरालमत्युग्र अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो वीतिर्भद्रकाले नमस्ते हिनस्ते दत्ततेजांसि त्वमे नापूरया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुधान्व असुरासृगमसर्पङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शिवाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नताभयम् रोगान् शेषान् महांसि दुष्टा दुष्टातु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एतार्पितं यात्कदनं त्वयाद्य धर्मान् द्विषां देवि महासुधानां रूपे धनैकैर्भवधात्तमूर्तिं कृत्वाभिजेतार्थकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाध्येषु वाक्येषु च कात्वधन्या ममात्वगर्ते अति महान्धकारे बिभ्रामयर्ते तदतीव विश्वं रक्षांसि यत्रोग्रविशास्य नागा यत्रायोरस्य बलानि यत्र धारानलो यत्र तथाभिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेश वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्रः देहि प्रसिद्ध परिपालयनोरभीते नित्यं यथा सुरभदा तदुमेव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमन्नयासु उत्पातपाकजनिताश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीदे लोकानां वरदा भव देव्यो वाच वरदाहं सुरगण वरं जनमनसे सदा तं ऋणुद्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवाऊचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याधिवेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भरी विनाशनं देव्यो वाच देवस्वतन्त्रे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे
शुंभो निशुंभ सेव न उत्पन्न सेते महागुरु नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभव ततस्तो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी पुनरप्युद्रेण पृथ्वी तले अवतीर्यामि विप्रचित्ता सुधानवान् वक्षयन्ता च दानवान् विप्रचित्तान् महासुरान् रक्ता दन्ता भविष्यन्ति धारिमे कुसुमोपमा ततो मां देवतः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः सुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तधन्तिकाम् भूयशतवार्षिक्या मनाविष्ट्या मनामसि मुनिभिः संसुधा भूमौ सङ्गमिष्यामि योनिया ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि जन्मनि कीर्तयिष्यन्ति मनुजः सदाक्षिणीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेह समुद्भवे वरिष्यामि सुरा शाके आविष्टे प्राणधारके शाकम्भरीति विख्यातं कदा यस्यामयं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम लभिष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि वक्षयिष्यामि मुनीनां प्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्वसन्ध्यानन्दमूर्तयः भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम लभिष्यति त्रैलोके महाबाधां करिष्यति तदाहं ब्राह्मणं रूपं कृत्वा सङ्घेलफलं त्रैलोकस्य हिताय वदिष्यामि महासुरं ब्राह्मरीति च मां लोका सदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा वाचा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा वदीयाहं करिष्यामि संशयः संकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ विभूति की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ विभूति की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ विभूति की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ विभूति स्तुति करते हैं आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपके मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में कि भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपके अवधि के लिए आपके उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी हैं सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धन की वृद्धि करने वाले हैं जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं
वहां वहां उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती ही, धन लाभ होते ही उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती ही, वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस मजगजन ने मजगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान विद्युत्काम समप्रभां हृजपते स्कन्दस्तां भीषणां कन्याभिकरभालखेटविलसत् हस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रगदासिखेटविशिखां चापञ्जुनं तर्जने बिभ्रानामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ धृत्युवाच देवीस्तवे समां नित्यं स्तोषते यः समाहितः तस्याहं सकलां वादां नाशयिष्यामि संशयम् मधुकेटवनाशं च महिषासुरघातनम् कीर्तयिष्यन्ति एतद्वल्पदं शुम्भनि शुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोषन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्च दुष्कृतोऽसा न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चेदेशविजोजनम् शत्रुतो न भयं तस्य दस्यतो वा न राजतः न शस्त्रानलतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान् ममेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्रयसर्गाणशेषास्तु महामारे समुद्भवान् तथा त्रिविमुत्पातमाहात्म्यं शमये मम यत्रे तत्पश्यते सम्यग् नित्यमायतने मम सदा नाथस्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकारे महोत्सवे सर्वमेतचरितम् उच्चार्यं चाभ्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृताम् प्रतिदिश्यामयं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिके तस्यामेतन्महात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वाबाधाभिर्मुक्त धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्महात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्विहापमान् ऋभवः सङ्कर्यं जान्ते कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसं महान्नमशृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने गृहपीडासु चोग्रासु महात्म्यं शृणुयामः उपसर्गः शमं जान्ते गृहपीडासु दारुणः दुःस्वप्नं च निर्दिष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे जनीनां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषानां बलहानिकरं परम् रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेवनाशनम् सर्वममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यदूपेश गन्धदीपे सहोत्तमे विप्राणां भोजने होमे प्रोक्षणीयरहर्षम् अन्ये च विविधैर्भोगे प्रदानेर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् स्वर्गे सुचरिते सुखे शुलं हरति पापानि तथा लोक्यं प्रयश्यति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धे सुचरितं जन्मे दुष्टदैत्यनिर्वहणम्
तस्मिन् श्रुते लिखितं वयं पुंसां न जायते युष्माभिः स्तुतयो याच याच ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तासो प्रयच्छन्ति शुभामते अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारितः दस्युभिर्वावृता शृणे गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्राण जातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो बन्ध्यो बन्धागतोऽपि वा आगुर्णितो वा पातेन स्थिता पोते महार्णवे परस्तु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषधारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्जितोऽपि वा समर्ममेतचरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावा सिंहाद्यादस्य गोभेरिण सदा दूराद्रेव पलायं ते समरतचरिता मम ऋषिनुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैव दीयत एभि देवानि आतङ्कः स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागः सर्वे चक्रनिहतार्यः दैत्या च तेभ्यः निहते शुम्भे देवरिभोजति जगदविध्वंसमेतस्मिन् महाग्रेतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमायुः एवं भगवती देवी सा नित्याभि पुनः पुनः सम्भूय गुरुदेवोप जगतः परिपालनम् तैतन्मोयते विश्वं सेव विश्वं प्रसूयते साजाजिता च विज्ञानं तुष्टारिद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तयेता सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेवसेचे भवत्या श्रीङ्करोति भूतानां सेवकाले सनातने भवकाले नाम सेवा लक्ष्मीवृद्धे कृताग्रहे सेवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सुधा सम्बोधिता पुष्पे धूपगन्धादिवसदा ददाति वित्तं पुत्रां च मतिं धर्मे गतिं शुभाम् अत्सद्यकुञ्जिकस्तोत्रे शिवोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्राप्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत् न कवचं नार्गलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च नान्यासो न च वाचनं कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अधिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरव पार्वते मारणं मोहनं वशं सम्भ्रमो चाचनाधिकम् पाठमात्रेण संसिद्धे कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ॐ ग्लौं हुं क्लीं झुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ज्वलहं शं लं शं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दने नमः केतवहारिण्ये नमस्ते महिषार्दने नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातने जाग्रतं हि महादेवे जपं सिद्धिं कुरुष्मे ऋङ्कारे सृष्टिरूपाय ऋङ्कारे प्रतिपालिका ऋङ्कारे कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्ते चामुण्डा चण्डघाते च जयकारे वरदायिने नित्ये चावयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि धां धीं ध्रूं धूर्जले पद्मे भां भीं भूं भागधीश्वरी ह्रां क्रीं क्रों कालिका देवी शां शीं शुं मे शुभं गुरु हुं हुं हुंकाररूपिण्ये जं 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 भनाधने भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवाने ते नमो नमः अङ्गं चं तं तं पञ्चं चं बिन्दुं ऐं भीं हं चं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुल कुल स्वाहा भ्रां भ्रीं भुं पार्वती पूर्णा काङ्क्षे घुङ्क्षे चरे तथा स
सप्तशतीतेभ्य मंत्र सिद्धि करिष्यामि इदं दुर्गुंशिका स्तोत्रं मंत्र जागृति हेतवे अभक्तैर्नैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठे न तस्य जायते सिद्धि अरण्ये रोधनं यथा अथ दुर्गाय बद्धराष्टके नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारणिकारिदुर्गे नमस्ते जगच्चेष्टमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिविज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणीत्रायदुर्गे अनाथस्य दीनस्य कृष्णापुरस्य भ्राता पीतास्य वर्धस्य यन्तः त्वमेकाग्रतिर्देहिनि सारकर्त्रे नमस्ते जगत्तारिणीत्रायदुर्गे अरण्ये रणे दारुणे चत्रमध्ये जले सङ्कटे राजगृहे प्रभाते त्वमेकाग्रतिर्देहिनि सारहेतु नमस्ते जगत्तारिणीत्रायदुर्गे अपारे महानोत्सरेत्यन्तकोरे विपत्सागरे वर्जतां देहवाजा त्वमेका गतिर्देविनि सारलोका नमस्ते जगत्तारिणीत्रायदुर्गे नमशण्डिकेतण्डदुर्दाण्डलीला समर्खण्डिकाण्डलाशेषशत्रुः समेकागतिर्वेघ्नसन्दोहत्रे नमस्ते जगत्तारिणीत्रायदुर्गे समेका सत्यवादे नेकाखिला क्रोधना क्रोधनिष्ठ इडापे कला त्वं सुषमनाशनाडे नमस्ते जगत्तारिणीत्राय दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे सदा सर्वसिद्धे प्रदात्रे स्वरूपे विभूतिः सतां कालरात्रिः स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणीत्रायदुर्गे शरणमसि सुराणां तीर्थविद्याधराणां धनुजभराणां व्याधिभिः पीडितानां नृपते ग्रहघताणां दर्शनेश्चासितानां त्वमसि शरणमेका देवि दुर्गे प्रसीद श्रीभगवते स्तोत्रम् भगवती देवी नमः
Yeah.
जगदम्बे त्रिचोचरे यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयासुरा साप्रादस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीम् अनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु पूर्ण करण वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोल सच्चे धर्मार्थ की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्ति जन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो। हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बंधु भक्तजन साधक जन अपने दुखों को दूर करने के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए इस मां जगजन्य के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवद मां से प्रार्थना करते हैं। अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए मां भगवती का स्तवन करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मात्र जगतोखलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरः विश्वम तमेश्व देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध, शरणगत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। हे देवी, आप ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। हे माँ भगवती, आप सब ओर से हमारी आप रक्षा करें, हम भक्तों का कल्याण करें, हम भक्तों के कष्टों को दुखों को दूर करके सब ओर से हमारा कल्याण करें, हम सबका मंगल करें। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है। तो इसलिए माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ को रिझाने के लिए भक्त जन जो है करवत माँ से यही प्रार्थना करते कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए।
हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने अनजानने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, सर्वदा हम पर अपनी दयादृष्टि बना रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार से देवी की पूजा शक्ति उपासना जो सब ओर से कल्याण को देने वाली, सुखों को देने वाली ही, दुखों को नाश करने वाली है, और सर्वत्र जो है जो मंगल को देने वाली है। जो भी भक्त ने श्रद्धा से धोकर के माँ भगवती के शरण धोकर के माँ की आराधना करते हैं, प्रातः काल सायंकाल दोनों समय माँ की जो जगाते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, माँ के नाम का जप करते हैं, माँ की आरती करते हैं, माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं, इस माँ जगजन्य जगत माता की उन शरणागत भक्तों पर सदा सर्वदा कृपा बनी रहती है। जो भगवती उनके दुखों को दूर करते हैं, सुखों को देती हैं, और सर्वत्र जो है वह भक्त जन परम कल्याण को प्राप्त होती हैं। जो भगवती उन्हें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती हैं और सर्वत्र उन भक्तों का मंगल मंगल करती। बोलो सच्चे दरबार की जय। ऋषि मुनियों ने, संतों ने, विचारकों ने जो है जो निर्णय करते हुए कहा है कि मुख्य रूप से जो है चार गुरु जो है जो बतलाए गए, जो चार गुरु जो है जो कौन कौन से हैं, सबसे पहले कहा कि ईश्वर परमात्मा जो है, दूसरा माता पिता, तीसरा दीक्षा गुरु, चौथा शिक्षा गुरु। जब मुख्य रूप से जो है इन्होंने चार गुरु बतलाए हैं, जिनके संरक्षण में रह करके, जिनके शरणागत होकर के जो है बस साधक जो है मार्गदर्शन प्राप्त करता है। कि गुरु क्या करता है, शिष्य का मार्गदर्शन। इन चारों में से जो है फिर उन ऋषि मुनि संतों ने कहा कि माता मां, मां का स्थान जो है जो विशेष इसको महत्व दिया गया है कि मां वास्तव में जो है एक तो ईश्वरी परमात्मा की कृपा जो है, उसके बाद मां जो है बच्चे को जो है जो पहला ज्ञान जो मिलता है वह मां से ही मिलता है, और मां जैसा चाहे वैसा अपनी संतान का मार्गदर्शन कर सकती है। मां जो है शास्त्रों का है जी, ये प्रथम गुरु है बच्चे की, और जिसके चरणों में बैठे हुए हैं वह भगवती आदि शक्ति जो गुहा के अंदर जो है तीन शक्ति के रूप विराजमान है, महाकाली, मां लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। जो जगजन्य जगत माता जो समस्त देवताओं के शरीर धन करवाने वाली यही मां है। मां जो शरीर को जो प्रदान करती है जो जगत गुरु है, इसकी जिन पर कृपा हो जाती है, जिन पर इसकी दया हो जाती है, बस सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, उनके जीवन कभी अनिष्ट नहीं होता। तो मां जैसा चाहती है वैसा बच्चे को वह ही मार्गदर्शन करती है, बना सकती है। इस धर्म में आपको दृष्टांत दे रहा हूं, राजा कमलाश हुए हैं जो बड़े धर्मशील राजा थे, यज्ञ करना, इस महाभगवत आदि शक्ति की आराधना करना, शक्ति के उपासक थे, दीन दुखी की सेवा करना, परोपकार करना। तो कहते कि जिससे इनका विवाह हुआ, इनकी पत्नी जो रानी जो थी उनका नाम था मदालसा, जो बड़ी प्रसिद्ध रानी हुई है मदालसा जो है। जब इनका विवाह संस्कार हुआ, विवाह हुआ, तो मदालसा और राजा के घर में आई विवाह करके, तो कहते उस समय
रानी मदालसा ने राजा से कहा कि राजन, मैं आपसे एक वचन लेना चाहती हूं, मुझे वचन दीजिए। राजा ने कहा कि कहिए, क्या चाहती हैं आप? तो मदालसा ने कहा कि मैं जो भी करूं, आप जो केवल मात्र देखेंगे, मुझे रोकेंगे नहीं, मैं जो कुछ भी करूं, अच्छा हो बुरा हो, परंतु आप मुझे रोकेंगे नहीं, केवल मात्र देखेंगे। राजा ने कहा कि ठीक है, ऐसी कौन सी बड़ी बात है, आप रानी हैं तो आप कोई गलत थोड़ी करेंगे। तो राजा ने वचन दे दिया, ठीक है आप जो भी करोगे मैं देखूंगा, आपको रोकूंगा नहीं। कहते हैं विवाहिक जीवन बड़ा अच्छा चला, माँ की कृपा थी और इस प्रकार से सब और से रिद्धि सिद्धि थी और अनेक वे दोनों मिलकर पुण्य कर्म किया करते थे। कहते हैं कि उनके घर पहला बालक हुआ, प्रथम बालक जो है, प्रथम बच्चे का जन्म हुआ तो जब वह बालक रोता था तो रानी जो उसको पालने में डाल करके उस पुत्र को जो है पालने में डाल करके वह झूठा जलाते और इस प्रकार से वह लोरी न सुना करके उससे कहती थी। माँ से बच्चे को लोरी सुनाती है कि बच्चा सो जाए, खेलने लग पड़े, परंतु मदालसा जो है वह लोरी न सुना करके वह उससे कहती थी कि तुम क्यों रोता है, अब देखते छोटा बालक रोता है, चुप करवाने के लिए प्रजन्न करती है माँ। और मदालसा कहते कि बेटा तू क्यों रोता है, तेरा जो है यहाँ कौन है जो तेरे रुदन को सुनकर के, तेरे रोने धोने को सुनकर के जो है वह द्रवित होगा, किसी के सम्मुख किसी के सामने जो है दीनता प्रदर्शी जो है ये क्यों करता है, तेरे रोने से जो है क्या लाभ होगा, व्यर्थ अपने आंसू को क्यों बहाता है, इस रोने की बजाय जो है इस रोने की अपेक्षा जो है आप चुप रह करके जो है विचार किया कर, को सोचा कर, विचार किया कर। इस प्रकार से पुत्र जो है उसकी ये बातें सुनते सुनते वह चुप हो गया, फिर कभी रोता नहीं था, विचार करता था, कोई बात करता ही नहीं था, चुप रहना। अब जो है बालक बड़ा हुआ और बड़ा होकर के इसका नाम सुबाहु था। यज्ञ में संस्कार हुआ और यज्ञ में संस्कार होते ही वह पहला बालक जो था उसने गृहस्थ का त्याग कर करके वन की ओर प्रस्थान किया, वन की ओर चला गया। वहां वह तप करता, साधना करता, भूख लगती है भीख मांग लेता। राजा का बेटा वन में रहने लगा, राजा चुप, कोई बात कही नहीं, क्योंकि रानी ने ऐसा वचन दिया, रानी को वचन दिया है, कुछ बोले नहीं। फिर कुछ समय का प्राण जो है फिर दूसरा बालक हुआ तो रानी जो है उसको भी ही यही पाठ पढ़ाती थी, यही सुनाती थी और वह सुनता था, चुप हो जाता था। और दूसरे बालक भी यही दशा हुई, वह भी जैसे जग संस्कार हुआ तो वह भी बन की ओर चल पड़ा। राजा फिर चुप रहे, तीसरा बालक हुआ और तीसरा बालक जो है उसके साथ ही रानी ने यही व्यवहार किया, यही ज्ञान दिया और तीसरा बालक जो है वह भी संत हुआ, अपने बड़े भाइयों के अनुसरण करते हुए वह भी वन में चला गया। अब राजा के तीन पुत्र वन में रहते हैं, तप करते हैं, भिक्षाटन करते हैं। राजा को बड़ा दुख हुआ कि राजा के पुत्र भीख मांगे, तब करें। अब देखिए उसके मन में विचार आए कि यदि ये साधना करना चाहते, गृहस्थ में भी साधना हो सकती है, भक्ति हो सकती है, तप हो सकता है। राजा के पुत्र वन में है, राजा को बड़ा दुख हुआ और रानी ने वचन लिया है और राजा ने वचन दिया है कि रानी जो भी करेगी अच्छा होगा बुरा होगा मैं रोकूंगा नहीं। तो कहते हैं कि जब चौथा बालक हुआ जिसका नाम अलर्क था, अलर्क जी बड़े प्रसिद्ध राजा हो गए, चौथा बालक हुआ तो राजा ने जो है रानी से
विनम्र प्रार्थना की हाथ जोड़ते हैं। प्रार्थना की किरानी मदालसा मेरी हृदय से आपसे प्रार्थना है कि तीन बच्चे तो वन में चले गए और मुझे लगता है मेरा ग्रस्त जो है ये तो समाप्त हो जाएगा। मेरे पीछे कोई राजा कौन होगा, कौन उत्तराधिकारी होगा? इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि इस बच्चे को जो है ग्रस्त धर्म का जो है पाठ पढ़ाइए, ग्रस्त धर्म की शिक्षा दीजिए। रानी मुस्कुराई और जो है उसने कहा कि ठीक है। अब जो चौथे बालक जो है जिसका नाम अलर्क था उसको वह क्या शिक्षा देती थी, जब अलर्क रोता था तो रानी जो है पल्ले में डाल करके जो ही उसको कहती कि बेटा रोना जो व्यर्थ है, रोने का कोई फायदा नहीं होता, व्यर्थ में अपने आंसू जो है मत बखाओ। रोने से कुछ लाभ नहीं होता है और इस प्रकार से अपने आंसू जो मत बहाओ, किसी के सामने दीनता जो है कभी नहीं जो दिखानी चाहिए, जो होता है उसे अपनी आंखों से देखो। इस संसार में जो भी हो रहा है उसको अपनी आंखों से जो है भले प्रकार से देखा कर। किसी भी वस्तु के लिए जो है रोना नहीं चाहिए। आप देखते हैं बच्चा कोई खिलौना देखा तो रोना शुरू कर देगा। किसी भी वस्तु को देख करके जो है कभी रोना नहीं चाहिए। बेटा संसार में जो कुछ भी है सब तेरा है, इसको ये शिक्षा दी। किसी भी वस्तु को देख करके कुछ भी देख करके रोना नहीं चाहिए और संसार में जो कुछ भी है सब तेरा है, जो जीव जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, ऐसी उसे शिक्षा दी। बच्चा बालक हुआ, बड़ा धार्मिक हुआ, पिता की तरह ही दैविक धर्म कर्म में लगा रहता था। विवाह संस्कार हुआ, कहते अनेक उसके पुत्र हुए, अनेक संतानों का सुख जो थे प्राप्त हुआ लड़क को जो है। अब बहुत समय बीता तो राजा कुलाशु को जब वैराग्य हुआ कि इतना समय हो गया है, अब मेरा पुत्र जो है राज्य को ठीक प्रकार से चला रहा है और पुत्र भी आकर के जो है वे भी बड़े जो है धार्मिक हैं, इसलिए अब हमें जो है अपने परलोक सुधारने के लिए जो है हमें बनकर प्रस्थान करना चाहिए। तो रानी मदालसा ने कहा कि हमें जो है ग्रस्त का त्याग कर करके बनकर प्रस्थान करना चाहिए, हम संतों के संग में जाएं, अब तो राज्य ठीक प्रकार से संभाल सकते हैं बच्चे। पहले राजा ऐसा ही करते थे, जब बेटा योग्य हो जाता था तो वे ही धर्म कर्म करते। इस प्रकार से जे राज्य का मोह जो है धन मोह परिवार मोह त्याग करके जे संतों के संग में चले जाते थे तब करते थे। रानी ने कहा कि ठीक है, अब जो है पुत्र को राज्य सौंपा। जब वहां से राजा और रानी दोनों विदा होने लगे तब जो है रानी ने राजा ने भी उपदेश दिया अपने बेटे को, राजा लड़क को जो ही, और जय रानी भी जो है उसको उपदेश देते हुए कहते कि बेटा जीवन में गृहग्रस्त में जब व्यक्ति रहता है आसक्ति हो जाती है, चाहे वह पुत्र मोह है, धन मोह है, संतान मोह, पत्नी मोह, किसी प्रकार से भी जीवन में कभी कोई किसी प्रकार कष्ट आ जाए धन चला जाए। क्योंकि आप देखते हैं कई बार किन व्यक्तियों का जो है अचानक से धन चला जाता है किसी भी कारण से, तो एकदम जो है डिप्रेशन में चला जाएगा और जहां तक ऐसा जाएगा उसका जीवन ही समाप्त हो जाता है, सोच सोच के मर जाता है। ऐसा कभी मोह हो जाए, ऐसे आप संकट में आ जाए जब कोई शत्रु आपको घेर ले, ऐसी परिस्थिति में जब कोई आप सोच ना पाए मैं क्या करूं, मेरे लिए उचित क्या, मुझे करना क्या चाहिए, ऐसी परिस्थिति में बेटा ये एक अंगूठी है, सोने की अंगूठी थी, इसमें मैंने रेशमी वस्त्र में बड़े छोटे अक्षर में सूक्ष्म अक्षर में जो है मैंने एक शिक्षा पत्र लिखा हुआ है। ऐसे संकट में इस अंगूठी में से पत्र को निकाल करके पढ़ लेना, तेरा कल्याण होगा। बोले सच्चे दरबार, तुझे उस समय जो है रास्ता मिल जाएगा मुझे करना क्या है,
ये देख करके माँ ने आशीर्वाद दिया और देख करके वहां से चल पड़ी। अब जो राज्य चलता रहा बड़े अच्छे ढंग से, खूब राज्य की उन्होंने वृद्धि की, खूब जो यज्ञ की। एक तो राजा धार्मिक थे, परंतु धन में बड़ा मोह था, संतान में मोह था, राज्य में मोह है, खजाने में मोह है, उस मोह में पड़ा हुआ है। कभी सोचा नहीं मुझे अपना परलोक भी सुधारना है। ऐसे चलते चलते जो है पुत्र भी हुए पुत्र भी हो गए, परंतु राजा अलर्क जो था ना तो भीष्म से संतुष्ट हुआ, ना ही धन से संतुष्ट हुआ, ना इस प्रकार परिवार से, जो इस प्रकार से उसका मोह बढ़ता गया। इस बात का जब उनके बड़े भाइयों को पता चला कि हमारा छोटा भाई अलर्क जो है ये तो इस प्रकार यदि ऐसे मोह में पड़ा रहा तो ये इसका कल्याण नहीं है, इसका कल्याण कैसे होगा, तब जो तीनों भाइयों ने निर्णय लिया कि हम जो है इसका जो शत्रु राजा है उसके साथ जाकर के मिलते हैं तो ही इसका सुधार हो सकता है। तब यह तीनों संत जो थे उनके बड़े भाई जो हैं वे ही काशी के राजा के पास गए, काशी नरेश के पास जाकर उन्होंने कहा कि महाराज हम जो ही राजा लड़के बड़े भाई हैं, राज्य पर तो हमारा अधिकार है, इसलिए राज्य हमें मिलना चाहिए, हम राज्य चाहते हैं अपना। तो राजा ने कहा कि ठीक बात है, उसको मिल गया कि उसके भाई मेरे पास आए हैं। तो काशी नरेश ने जो है युद्ध की तैयारी कर दी और युद्ध की तैयारी की और फिर जो है अन्य राज्यों को भी उन्होंने अपने साथ मिलाया, किसी को धन देकर किसी को किसी तरह से मिलाकर के जो है अब उसके राज्य को घेर लिया और दूत को भेजा कि ये राज्य जो है आपके बड़े भाई स्वभाव का है, अपने बड़े भाई को आप राज्य दे दीजिए नहीं तो हम आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे। तो वही राजा लर्क जो थे वह राजधर्म को तो जानते थे और फिर वह क्षत्रिय थे और क्षत्रिय धर्म को भली प्रकार से जानते हैं। तो उन्हें संदेश भेजा कि मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पास आए और आकर मुझसे याचना करें, मैं राज्य दे देता हूं उनको, परंतु जो शत्रु राजा आकर के जो ललकारे और युद्ध की धमकी दे तो मुझे ये स्वीकार नहीं है, युद्ध करूंगा। तब जो है उधर जो है बस स्वभाव भी उनका बड़ा भाई जो संत था बस सब जानता था, क्षत्रिय था, अब राज्य के लिए जांचना वह भी नहीं करते हैं, चुप है क्योंकि उनका वह कल्याण करना चाहते थे, वहां जाते वह राज्य दे देते, ऐसा उन्होंने नहीं किया। युद्ध हुआ, युद्ध चलता रहा, अब धीरे धीरे हुआ क्या, अब जब युद्ध से होता क्या है, एक तो खजाना कम होगा क्योंकि खर्चा भी होता है, धन हानि होती है, फिर जवानों की भी हानि होती है, जो शत्रु के युद्ध कर रहे हैं अब सैन्य भी कम हो रही है, धन भी कम हो रहा है, अब जो ऐसी परिस्थिति में फंस गया, चारों ओर से घिरा हुआ, अब करूं तो करूं क्या, उधर मेरे भाई हैं, भाई के लिए भाई जांचना कर रहे हैं कि उनको राज्य चाहिए, परंतु दूसरे शत्रु के राजा के साथ मिलकर के ऐसे जो करते हैं, अब मैं क्या करूं। कहते बड़े संकट में थे और संकट काल में जो है उसे माँ याद आई। कहते हैं कि जब बड़े संकट में होता बच्चा तो उसको माँ याद आती है, माँ कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करती है और माँ पहले से लेकर के रखी गई है। तब जो उसने स्नान किया, स्नान करके विद्वानों को बुलाया और कहा कि ये अंगूठी है माँ दे गई थी अंतिम, जब जहां से मुझे आशीर्वाद दे करके जब विदा हुई थी तो उन्होंने जो मुझे अंगूठी दी थी कि संकट काल में इसे खोल करके इसमें जो शिक्षा पत्र दिया हुआ है उसको पढ़ लेना, तेरा कल्याण होगा। विद्वानों को बुलाया, स्वस्ति भाजन कराया, पूजा करवाई उस अंगूठी की, पूजा करवा करके इस प्रकार से भगवती से प्रार्थना की, उसके उपरांत जो है फिर उसे खोला और पत्र निकाला और उसको पढ़ने लगे। जैसे उस पत्र को पढ़ा अंधे को जैसे आंखें रोशनी मिल जाती है वैसे ही उसको जो है मार्गदर्शन हुआ, उसका ऐसे नेत्र ज्योति मिल गई, उसको जो है मार्गदर्शन हुआ। माता का उपदेश जो था कि उसने लिखा था कि असंग, संग जो है पहला शब्द क्या था, संग कि आसक्ति, आसक्ति का जो सब प्रकार से जो है त्याग करें,
चाहे वह धन शक्ति है, संतान शक्ति, चाहे राज्य शक्ति है, किसी प्रकार की अशक्ति है, तो उस अशक्ति का जो है त्याग करना चाहिए। यदि उसका त्याग ना किया जा सके, ऐसे कहीं त्याग नहीं कर सकते हैं, यदि त्याग ना किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करें। संग किसका करें? अच्छे लोगों का। सत्पुरुषों का संग करें तो उसकी दवाई जो है वही औषधि है। सत्पुरुषों का संग करोगे तो आपका आपको आत्म ज्ञान जो प्राप्त होगा और आपको करना क्या है अपने आप आप निर्णय कर लेंगे। तो इसलिए जो है सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करें यदि आसक्ति का त्याग न कर सके तो। फिर जो है कहा कि कामना को जो है सर्वदा छोड़ देना चाहिए। एक कामना आपकी पूरी होती है दूसरी तैयार हो जाती है। आप अपेक्षा करते हैं 100 रुपया मिल जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, 100 रुपया मिल जाते हैं, फिर जो है उसकी तृष्णा बढ़ना शुरू हो जाती है। 1000 हो जाए तो ठीक है, 1000 वाला सोचते हैं नहीं, 1,00,000 हो जाए तो अच्छी बात है, 1,00,000 वाला सोचते कि नहीं 1,00,00,000 हो जाए तो अच्छा है। ऐसे चलते चलते वही कहते तृष्णा बढ़ती जाती है, जीवन समाप्त होने पे आ जाते हैं परंतु उसकी तृष्णा जो है छूटती नहीं। तो कामना जो है इसका सर्वदा त्याग करने छोड़ देना चाहिए। यदि वह छोड़ी ना सके ना जा सके तो कहते हैं मुमुक्षा, मुक्ति की इच्छा करनी चाहिए, मुक्ति की कामना कीजिए। जीवन करना है तो मुक्ति की कामना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से कामना को मिटाने की यही एक औषधि है, दवा है। उसे पढ़ते ही जो है इस प्रकार को ज्ञान मिला और तब जस ने कहा, संदेश भेजा कि राजन मैं अपना राज जो है त्याग रहा हूं, मैं अपना राज्य त्याग रहा हूं, आइए और स्वीकार कीजिए, मुझे राज्य चाहिए नहीं। तब जो है काशी नरेश ने कहा सुबाहु से, उसके बड़े भाव से, चलिए भाई अब राज्य ग्रहण कीजिए, देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमें तो राज्य चाहिए नहीं, राज्य के लिए तो हमने जो सब किया ही नहीं था, हमने जो किया था वो हो गया। क्यों? कि हमारा बड़ा भाई जो हमारा छोटा भाई था उसको वैराग्य हो गया है, हम यही चाहते थे, इसको वैराग्य कैसे हो। तो राज्य हमें चाहिए नहीं था, राज्य चाहिए होता तो हम घर पे रहते, हम जो है जंगल में क्यों जाते, तो हम तो उसका कल्याण करना चाहते थे। तब जो है महाराज आप चाहते आप ले लीजिए राज्य। काशी नरेश कहने लगा कि आपके साथ रहते हुए अब तो मुझे भी ज्ञान हो गया है, अब मुझे भी राज्य नहीं चाहिए। कहते काशी नरेश ने भी अपने पुत्र को अपने राज्य दिया, राज्य का त्याग कर दिया। इधर जो है अब उसी के साथ जो है राजा लड़क के साथ ही जो है वे भी वैराग्य युक्त होकर के वन में चल पड़े, तीनों संत वो और जो है इधर राजा लड़क और काशी नरेश जो है पांचों के पांचों जो है वन के ओर प्रस्थान किए। अब जो है वन में चले गए, कहते हैं वहां पर जुड़ते हैं उनको दत्तात्रेय के दर्शन हुए, पांचों इकट्ठे हुए, ये भी भाग्य की बात होती है। देव जिनका कल्याण करते हैं उनके जीवन संत को भेजते हैं। जब जीवन कष्ट विपत्ति है खूब भक्ति कीजिए आपका कल्याण होगा। तो अब जो है पांचों के पांच जब वन में प्रस्थान करते हैं तो उन्हें दत्तात्रेय के दर्शन हुए, दत्तात्रेय मिले, बस सदगुरु की प्राप्ति हुई। उनके मार्गदर्शन से पांचों के पांचों जो है ये परमोक्ष को प्राप्त होगी। तो बोले सच्चे दरबार की समय अधिक शुक मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री सूर्य जी मार्ग के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त कीर्तन सहयोग देना समिल कर ताली बजाते श्री सूर्य जी। जय करा मेरी शरण वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है, जगत के रंग क्या देखूं के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी मैं
Yeah.
रुस देन बच्चे कदे रुसिया न मावा रुस देन बच्चे कदे रुसिया न मावा रुस देन बच्चे कदे रुसिया न मावा रुस देन बच्चे कदे बच्चे कदे रुसिया ने मामा दसो मेरी मैया तुहानू किवें मैं मनावा दसो मेरी मैया तुहानू किवें मैं मनावा रुस देन बच्चे कदे रुसिया ने मावा रुस देन बच्चे कदे रुसिया ने मामा मैं मनावा दसो मेरी मैया
नी मामा और उस दिन बच्चे कदे रुसिया नी मावा सानू सुके थाई खुद गिली थांते सुंदी रही सानू सुके थाई खुद गिली थाई सुंदी रही सानू सुके थाई खुद गिली थांते सुंदी सानू सुके थाई खुद गिली थाई सुंदी अपने हिस्से दा टुक थाने मुझ पौंदी रही अपने हिस्से दा टुक थाने मुँह पौंदी रही अपने हिस्से दा टुक थाने मुझ पौंदी रही अपने हिस्से दा टुक थाने मुँह पौंदी रही थाने मुझ पौंदी रही एहो एहसान दसो किवें मैं बुलावा एहो एहसान दसो किवें मैं बुलावा दसो मेरी मैया तनू किवें मैं मनावा दसो मेरी मैया तनू किवें मैं मनावा दसो मेरी मैया तनू किवें मैं मेरी मैया किवें मैं मनावा रुस दिन बच्चे कदे रुसिया नी मावा 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 दसो मेरी मैया तनू किवें मैं मनावा 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 मां तेरे प्यार बिना बच्चे रुल जानगे 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 तेरा दर खटेंगे मां केड़े दर जानगे छटेंगे माँ किड़े दर जानगे माँ तेरा दर छटेंगे माँ किड़े दर जानगे तेरा दर छटेंगे माँ किड़े दर जानगे ओ किड़े दर जानगे चरना च तेरे माए सिरनु चुकावा चरना च तेरे माए दसो मेरी मैया तनू किवें मैं मनावा 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 रुस दिन बच्चे कदे रुसिया नी मावा 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 दसो मेरी मैया तनू किवें मैं मनावा दसो मेरी मैया तनू किवें मैं मनावा तनू किवें
नागाधीश्वर विष्णर भन भनोत्तम सुर रत्न भले वासुदेह लतां दिवाकर नेत्र त्रयोदासिता माला कुंभ कपाल नीरज कर चंद्रार्ध चोड़ा पर सर्वज्ञेश्वर भैरवांकर निलया पद्मावतीं चिंतये सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आप भक्तजनों के संकल्प की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता की विशेष कृपा प्राप्त करने का माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का अब भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतति भाने भवे शर्मान ससुहे भवे प्रज्ञा भाने भवे भूर्भूत करणे धाने कनिष्ठो भवे तेजस्वी भवे धैर्य दर्भदलने व्यापार दक्ष भवे श्री शंबर पाद पुण्यत सर्वोपकारी भवे मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुना बुद्धिनाशोस्तु मित्रेनामदेश शरीरवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाविदात् शुभमानमहीयते धनं धान्यं पशुं भूपुत्र लाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्त दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आपसे भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, संभल कर बोलना ताली जाते हुए ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा मैया नाथ रे मोदी
पुजारी जी माँ भगवत की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवत की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सभक्त जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर के मां से प्रार्थना करेंगे, सम्मिल करके बोलना। ओ देहि सभा
सौभाग्य आरोग्य देहि सौभाग्य आरोग्य देहि मे परमं सुखं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि यशो देहि यशो देहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्य दुःखभाग् भवे दुःखभाग् भवे शान्तिः 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 आरती क्रम देखे सुने और मानी मन मां भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं, आप सभी आरती का आनंद लीजिए और मां से प्रार्थना कीजिए, मां भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। मेरे कार्य करो भगे सदैव आनंदे आनंद करो कल्याणी कल्याण मया कृताय चौ सखगणे यो चरणादा ध्यान जयम Thank you.
सच्चे दरबार की जय। सारे भक्तों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल सच्चे दरबार की।